दिल्ली के रामलीला मैदान में कल पीएम मोदी की रैली होगी और इस रैली का आयोजन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने रैली में 1.5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, मनोज जी से हम जानना चाहूंगा कि इस रैली का मकसद क्या है, क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर रैली है या फिर कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल में रैली किया था रामलीला मैदान में उसको लेकर काउंटर अटैक को लेकर जो है रैली किया जा रहा है। देखिए, ये रैली बहुत महत्वपूर्ण समय में हो रही है। हालांकि जब हमने इसका प्लान किया था तब हम नहीं समझे थे कि आगे कुछ दिनों में कुछ लोग इसी रामलीला मैदान में भारत जलाओ रैली करेंगे और भारत को जलाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने आग में घी डाला और आपने दिल्ली में और देश में जो देखा है वो कांग्रेस की नीयत है। लेकिन कल की जो नरेंद्र मोदी जी की रैली है वो मुख्यतः विकास की रैली है। जो हमने दिल्ली में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को, नथराइज कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया, वो लोग मोदी जी को धन्यवाद देने आ रहे हैं। उन्होंने टाइम मांगा है मोदी जी का हम लोगों के थ्रू। तो एक तो हमारी रैली विकासवादी रैली है और दूसरी बात, आज के समय में एक बात तो तय है कि इस समय देश में लड़ाई चल रही है सच और झूठ के बीच, ईमानदारी और पाखंड के बीच, विकास और विनाश के बीच। तो कल ये विकासवादी जो सोच है नरेंद्र मोदी जी की, उसके यहाँ से शब्द फूटेंगे और बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यूपी के रामपुर में आज फिर हिंसा हुई। नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। बड़ी संख्या में सड़कों पर जमा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल के ऊपर पथराव किया। कुछ प्रदर्शनकारी तो घरों की छतों से पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए जवाब में पथराव किया। वहां हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंसा को रोकते हुए पुलिस बल की तस्वीरें। हालांकि इस सबके बीच कल भी रामपुर में हिंसा हुई थी और ये दो तस्वीरें आज एक बार फिर से रामपुर में हिंसा भड़क गई और पुलिस बल की तरफ से इस हिंसा को रोकने की कोशिश। बताया जा रहा है कि घर की छतों पर चढ़कर भी प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आए और उसके बाद पुलिस ने इन पत्थरबाजों को रोकने की कोशिश की। तो देखिए किस तरीके से पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए गायत्री, बिल्कुल इस वक्त जो हालात हैं वो पुलिस के कंट्रोल में, लेकिन इसके पहले काफी विवाद हो चुका है। लिहाजा स्थिति ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। वहाँ फिलहाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, फायरिंग की गई है और जिस तरह उपद्रव से जो भीड़ थी आक्रोशित, छतों से खम्भों से चढ़कर पथराव किया, पुलिस टीम पर फायरिंग किया, लेकिन आज जो आरएएफ थी उन्होंने उनको फिर दौड़ाया और भीड़ को तितर बितर किया और सीधे आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे क्योंकि उन्होंने आगजनी कर दी थी और लगातार पथराव कर रहे थे पुलिस फोटो और काफी संख्या में लोग 4 से 5 हजार लोग एकत्रित हो गए थे। लिया जाए स्थिति जो है कंट्रोल में नहीं आई और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े जिसके दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। हालांकि अभी कई सारे लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो तस्वीरें हैं जो पुलिसिया जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको कंट्रोल में करनी है। जबकि अमरोहा में भी 5000 के करीब संख्या जुटी प्रदर्शनकारियों की, घर की छतों से पत्थरबाजी हुई, यानी सुनियोजित था। कल तो पुलिस दावा कर रही थी कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, फिर आज क्या हुआ? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर है और आप जानबूझकर एक तरीके से इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि इनकी पूरी की तरह से पूरी लापरवाही है और आपको पता है कि प्रदर्शन होगा और लोग जुटेंगे और उनकी संख्या ज्यादा होगी तो आपको उस तरह की माकूल व्यवस्था करनी चाहिए थी जो रामपुर प्रशासन ने नहीं की और उसका परिणाम सबके सामने है। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और एक दूसरे के सामने यानी पुलिस फोर्स पर लगातार सामने आकर पथराव किया गया, नजदीक से पथराव किया गया, छतों से किया गया, तो ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया और कहां से ये सब सुनियोजित हो रहा है, कौन कर रहा है, इन सब चीजें जांच के तो विषय है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि पूरी जो पुलिसिया कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका लोकल एलाय है, वो फेल है गायत्री। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि कल भी रामपुर में हिंसा हुई थी लेकिन उसके बावजूद आज एक बार फिर 5000 की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, पुलिस पर पथराव किया, घर की छतों से पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। लेकिन
पुलिस लगातार कह रही कि हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। फिर कल रामपुर में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश के कई इलाके सुलगते हुए दिखाई दिए। उसके बाद आखिर आज पुलिस क्यों तैयार नहीं थी, कैसे 5000 की संख्या में ये प्रदर्शनकारी मौके पर जुटे और प्रदर्शन किया, पुलिस पर पथराव किया। यूपी के बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोग नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राष्ट्रगान गाया, साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए। वहां मौजूद कई लोग डीएम से भी गले मिले। आरजेडी ने आज बिहार में नागरिकता कानून के विरोध में बंद का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। आरजेडी नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून को काला कानून बताया और कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक उनकी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। बिहार के कई शहरों में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पटना, दरभंगा, नालंदा, मुंगेर, छपरा, वैशाली, अररिया, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन जारी है। कई जगह ट्रेन को भी रोका गया। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरजेडी का बंद, और इस बंद के बीच सड़कों पर उतरकर टायर जलाते, ट्रेनों को रोकते और नारेबाजी करते, साथ ही ऑटो को भी निशाना बनाते आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपके सामने। बिहार के बांका में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान ट्रेन रोककर विरोध जताया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी ट्रेन को आधे घंटे से ज्यादा समय तक रोके रखा। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाकर नागरिकता कानून वापस लिए जाने की मांग उठाई। तो देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका और ये ट्रेन करीब आधा घंटे से ज्यादा समय तक रोकी रही। इस ट्रेन में सवार जो लोग थे, जो यात्री थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी ट्रेन को रोके रखा। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और मांग की कि नागरिकता कानून को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। आज आरजेडी की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है और इस सबके बीच कार्यकर्ता जगह जगह पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये ट्रेन रोकने की तस्वीरें बिहार के बांका से। बिहार के नालंदा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के विरोध में ट्रेन रोककर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर भी जाम लगा दिया और टायर जलाकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन करे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को शांत करवाने की कोशिश की। बिहार के नालंदा की तस्वीरें, नालंदा में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथों में पार्टी के झंडे लेकर ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस भी यहां पर मौजूद थी और पुलिस ने इनको शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस सबके बीच टायर जलाकर भी विरोध जताया आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। नागरिकता कानून पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने छपरा में भी प्रदर्शन किया और नागरिकता कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर टायर जलाया और वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोक दिया। हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के छपरा की। आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सड़क पर टायर जलाकर वहां से गुजर रही गाड़ियों को भी रोका गया। हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर, कई वाहनों को रोकते हुए नजर आए। बिहार बंद बुलाया गया है आरजेडी की तरफ से। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बिहार बंद, जगह जगह चक्का जाम की कोशिश, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते आरजेडी के कार्यकर्ता बिहार के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरकर पार्टी के झंडे हाथों में लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। उधर बिहार के मुंगेर में आरजेडी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर गए और रेल रोककर नारेबाजी की। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ही रुकी रही। आरजेडी की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुंगेर की, जहां पर ट्रेन रोकी गई। बिहार के मुंगेर में ट्रैक पर उतर आए प्रदर्शनकारी आरजेडी के कार्यकर्ता, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ।
ट्रैक पर उतरकर जमकर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ और नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करते हुए ट्रेन को रोके रखा। आरजेडी की ओर से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी नागरिकता कानून के विरोध में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ऑफिस से डाक बंगला चौराहे तक तेजस्वी यादव ने पैदल मार्च निकाला। हजारों की संख्या में तेजस्वी यादव के साथ उनके एक कार्यकर्ता जो कि पार्टी ऑफिस से डाक बंगला चौराहे तक पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए। आरएलएसपी की ओर से और कांग्रेस की तरफ से भी इस बंद को समर्थन दिया गया है। तो आरजेडी ने आज बंद बुलाया है, जगह जगह चक्का जाम किया गया और जहां पर जो यातायात तक सुचारू दिखाई दिया तो वहां पर रोक कर भी विरोध जाहिर किया गया। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिनकी तरफ से पैदल मार्च निकाला गया और उनके साथ हजारों की संख्या में आरजेडी के ये कार्यकर्ता जो कि पार्टी ऑफिस से डाक बंगला चौराहे तक पहुंचे। आरजेडी का आज बिहार बंद है और तेजस्वी यादव अभी सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपने कार्यकर्ता और नेता के साथ अभी पार्टी कार्यालय से डाक बंगला चौराहे के लिए निकले हैं और इनके साथ हजारों की तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। यह बंदी एनआरसी और सीएए के खिलाफ है जो सुबह से ही आरजेडी और महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और अभी तेजस्वी यादव अपने पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अभी जब ये डाक बंगला चौराहे पर पहुंचेंगे तो यह माना जा रहा है कि बंदी का असर और देखने को मिलेगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। तो पार्टी ऑफिस से शुरू हुआ था ये पैदल मार्च जो कि डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा। तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे थे। पार्टी के कई बड़े नेता इस पैदल मार्च में शामिल हुए और बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कितनी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के साथ इस पैदल मार्च में शामिल हुए। आज आरजेडी की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है और इस सबके बीच जहां बिहार के अलग अलग जिलों में जो पार्टी के स्थानीय नेता उनको जिम्मेदारी दी गई है आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की, तो वहीं पटना की तस्वीर जो कि बिहार की राजधानी है यहां पर खुद आरजेडी के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया गया उस वक्त जब पार्टी ऑफिस से बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव डाक बंगला चौराहे तक पहुंचे। दो तस्वीरें आपके सामने, आरजेडी का ये विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर, हाथ में खुद तेजस्वी यादव ने पोस्टर लिया हुआ था और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ऑफिस से डाक बंगला चौराहे तक, मांग यही कि नागरिकता कानून को वापस लिया जाए। आरजेडी कह रही है कि ये काला कानून है, सरकार इस कानून को वापस ले, जब तक वापस नहीं लेगी सरकार इस कानून को, हम यूं ही विरोध जाहिर करते रहेंगे। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर सड़क पर नागरिकता कानून के खिलाफ हवन किया। इस हवन में आरजेडी के साथ आरएलएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। तो मोतिहारी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। दरअसल नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया और कानून के खिलाफ, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हवन भी यहां आरजेडी के कार्यकर्ता करते दिखाई दिए। इस हवन में आरजेडी के साथ आरएलएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस विरोध में शामिल हुए। हालांकि इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया था। तो पहले जाम लगाया, नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध के लिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मोतिहारी में, तो वहीं इस दौरान हवन भी किया गया और आरजेडी के नेताओं के साथ साथ इसमें आरजेडी के साथ आरएलएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लोकतंत्र में या हत्या के तरह या लोकतंत्र की हत्या करने का, संविधान को खत्म करने की एक भारी साजिश है। इसमें वोट देने का अधिकार, नागरिकता की बात करता,
कि बाबा का बाबा का नाम कौन जानता है और कौन गरीब यह सही स्पष्ट कर पाएगा कि 71 में हमारे बाबा के नाम से खतियान या फिर दस्तावेज है। इससे स्पष्ट है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और महादलित के लोग, अल्पसंख्यक के लोग और सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, उन तमाम लोगों को वोट से वंचित करने का यह साजिश है। बिहार के भागलपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सड़क पर कई ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की। एक ऑटो रिक्शा में तो कुछ लोग बैठे भी थे, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने इसके शीशे तोड़ डाले। ये देखिए किस तरीके से एक ऑटो के शीशे तोड़ते हुए आरजेडी के कार्यकर्ता, जिनके हाथ में पार्टी का झंडा था और हाथ में डंडा लेकर उन्होंने एक ऑटो पर जमकर बरसाए और उस ऑटो के शीशे तोड़ डाले, कई ऑटो को निशाना बनाया। लेकिन ये ऑटो जिसमें सवारी भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी इन कार्यकर्ताओं ने ऑटो को निशाना बनाया और उसके शीशे तोड़ डाले। जगह जगह चक्का जाम और लोगों से भी आरजेडी के कार्यकर्ता ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो बंद का समर्थन करें। दुकानदारों को कहा गया कि वो अपने दुकान बंद रखें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। और जहां जहां यातायात चलता हुआ सुचारू तरीके से दिखाई दिया, उसको भी रोकने की कोशिश की, बस सेवाओं को बाधित किया, ट्रेनों को रोका गया, ट्रैक पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करने लगे आरजेडी के कार्यकर्ता। तो वहीं भागलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑटो चल रहे थे, सवारी मौजूद थी, बावजूद इसके आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऑटो को निशाना बनाया, ऑटो में जमकर तोड़फोड़ की। ऑटो में तोड़फोड़ की तस्वीर आपके सामने, एक कार्यकर्ता और उसके साथी जिनके हाथों में डंडे हैं और पार्टी का झंडा है हाथों में, उन्होंने इस ऑटो को निशाना बनाया जबकि इस ऑटो के अंदर कई लोग मौजूद थे। ये देखिए ऑटो का आगे का जो शीशा था वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है और आरजेडी के कार्यकर्ता सभी से ये कह रहे हैं कि बंद में उनका समर्थन किया जाए, लेकिन जहां ऑटो चलते हुए दिखाई दिए तो उन ऑटो को रोक दिया गया। उधर बिहार के भगवानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 77 पर उतरकर प्रदर्शन किया और सड़क को जाम कर दिया। कार्यकर्ता भैंस के साथ सड़क पर उतरे और टायर जलाकर अपना विरोध जताया। सभी ने हाथों में नागरिकता कानून के विरोध में तख्तियां ली हुई थी। इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। बिहार के भगवानपुर में सड़क पर टायर जलाकर हाथ में पोस्टर लिए, तख्ती लिए, सरकार विरोधी नारों की सड़कों पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता, जिन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए और अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की। NH 77 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टायर जलाकर जहां विरोध जताया गया। भैंस के साथ ये कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे और भैंस के ऊपर भी एक पोस्टर चिपकाया गया था जिसमें सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे और मांग यही कि नागरिकता संशोधन कानून को सरकार वापस ले। आरजेडी नागरिकता संशोधन कानून को काला कानून कह रही है और ये कह रही है कि NRC और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनका ये बंद है। बिहार के दरभंगा में भी आरजेडी के कार्यकर्ता नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोककर हंगामा किया, सड़क पर भी टायर जलाया। हालांकि इस दौरान उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा की, जहां हाथों में पोस्टर लेकर यहां भी कार्यकर्ता उतरे, पुलिस भी यहां पर तैनात थी कि अगर कुछ अप्रिय होता है, कुछ घटना घटती है तो उसे निपटा जा सके। सरकार विरोधी नारेबाजी के बीच टायर जलाकर भी कुछ इस तरह से विरोध करते हुए नजर आए आरजेडी के कार्यकर्ता। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आरजेडी का बंद। तथाकथित बंद पे नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पे आज 21 तारीख का जो बिहार बंदी का है उसको संपूर्ण रूप से हम लोग पूरे मजबूती के साथ पूरे शहर को चक्का चक्का चौक चौराहे पर जाम करने का काम कर रहे हैं और जन जन तक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये NRC से क्या नुकसान होना है, NRC से किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, NRC से वैसे लोगों को प्रभाव पड़ेगा जो लैंडलेस लोग हैं, जो जमीन जिनके पास नहीं है, जो गरीब दुर्बा है, जिनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। नागरिकता कानून के विरोध में बिहार के अररिया में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया।
आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नागरिकता कानून के विरोध में नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने देश के संविधान को खतरे में बताया और नागरिकता कानून वापस लेने की मांग सरकार से की। बिहार के अररिया की तस्वीर भी आप देख लीजिए, किस तरीके से यहां पर भी विरोध जाहिर किया गया, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश के संविधान को खतरे में बताया आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने और सरकार से मांग की कि वो नागरिकता कानून को वापस ले। विरोध एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर है। ट्रक पर भी चढ़ गए थे ये कार्यकर्ता, नेशनल हाईवे को जाम करते हुए नजर आए, हाथ में पार्टी का झंडा था और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, नागरिकता संशोधन कानून काला कानून है, सरकार इसको वापस ले। आज देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। तानाशाही सरकार जिस तरह का काला कानून लाया है, इससे हम लोग उसका पुरजोर राष्ट्रीय जनता दल विरोध करता है। पूरा बिहार बंद है, रेल चक्का जाम है और हम लोग एनएच को भी जाम किए हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा, तब तक हम लोग अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अब एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में की नारेबाजी। सड़क पर लोगों ने टायर जलाकर हंगामा किया। आरएलएसपी का भी समर्थन आरजेडी को मिला है, तो वहीं कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। टायर जलाकर विरोध जताते आरजेडी के कार्यकर्ता, आपको बता दें ये सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, गो बैक सीए और एनआरसी, कुछ इस अंदाज में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से टायर जलाकर भी विरोध जाहिर किया। एनआरसी को लेकर विरोध है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध है आरजेडी की तरफ से। एनआरसी और सीए के खिलाफ ये बंद बुलाया गया है, जिसमें जगह जगह सुबह से ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और राजधानी पटना की तस्वीर आपके सामने, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि एनआरसी और सीएए से उन्हें आजादी चाहिए, सरकार नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले। आरजेडी का आज बिहार बंद है और यह तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे का है, जहाँ महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पिछले कई घंटे से पूरी तरह से यातायात ठप है। तो वहीं बिहार के कई हिस्से में भी महागठबंधन का और खासकर आरजेडी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आरएलएसपी के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो यहाँ पर पट्टा के डाक बंगला चौराहे पर बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो वहीं पिछले कई घंटों से यह डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से ठप है और यह माना जाता है कि पटना का हर्ट है, अगर डाक बंगला चौराहा ठप हो गया तो पूरा यातायात जो है वो ठप हो जाता है। उपेंद्र जी, आखिर यह प्रदर्शन क्यों? देखिए, भारत सरकार ने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय है जिसमें विदेश के लोगों को यहाँ की नागरिकता देने की बात की जा रही है, लाखों की संख्या में विदेश के लोग यहाँ आएंगे, नागरिकता लेंगे। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और बाहर से लोगों को लाकर यहाँ बसाएंगे, यह गलत है। तो इस निर्णय का विरोध, साथ ही साथ कुछ लोगों की नागरिकता भविष्य में छीनने की भी कोशिश है। अब जो हजारों साल से जिनके पूर्वज इस देश में रह रहे हैं, उनसे मांगा जाएगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है उसका प्रमाण पत्र दीजिए, आपका जन्म कब हुआ इसका प्रमाण पत्र दीजिए। सब लोगों को मालूम है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जिनके पास कोई कागजी सर्टिफिकेट नहीं है, कहाँ से लोग दे पाएंगे, वैसे लोगों को वंचित किया जाएगा। तो भारत सरकार का दोनों निर्णय गलत है, दोनों निर्णयों के खिलाफ में हम लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के खगड़िया में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर टायर जलाकर नागरिकता कानून को सरकार से वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया। खगड़िया की तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर भी टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों से कहा कि वो इस बंद का समर्थन करें और साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार इस नए कानून को वापस ले। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आरजेडी का
बिहार बंद। जगह जगह कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि काला कानून है, संविधान इससे खतरे में है, लोकतंत्र इससे खतरे में है, और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी हम विरोध करते रहेंगे। उधर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थीं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। सभी ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जाहिर किया। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और इसमें महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थी, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और एक बार फिर से नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में भारी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम महिलाएं, जो इलाके की महिलाएं हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाली छात्राएं जो है वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त बैठी है। लगातार जो है नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सभी की एक मांग है कि जो नागरिकता कानून है उसको वापस लिया जाए। इसी तरीके से प्रदर्शन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के जो राइट साइड है वहाँ पे पूरा चल रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी जो सड़क है वो इस वक्त बिल्कुल लोगों के साथ, लोगों से भरी हुई है। सभी जो लोग हैं जामिया इलाके के वो सब प्रदर्शन के लिए उतरे। आप तस्वीरों में देखेंगे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। अलग अलग टुकड़ियाँ लोगों ने बनाई है और अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। उस तरफ जो था नारेबाजी कर विरोध किया जा रहा है। इधर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर डपली बजाकर नजम गा के शायरियों से जो है विरोध जताया जा रहा है। तमाम तरीके भी यहाँ पर विरोध के आजमाए जा रहे हैं। उससे थोड़ा सा आगे अगर हम इसी सड़क पर चले तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ लोग जो है वो इस वक्त मौजूद है। सभी जो है नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, आपसे बात करती हूँ। आप लोग प्रदर्शन के लिए उतरिए, क्या चाहती हैं? हम आजादी चाहते हैं, सीएए से एनआरसी से आजादी चाहते हैं। हमें ये सब बिल वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते। हमें इससे आजादी चाहिए। ये एक भेदभाव है हिंदू मुस्लिम या और रिलीजन के बीच में। Ministry of Home Affairs on Friday said that Indian citizens do not have to prove any ancestry by presenting documents like identity cards, birth certificates, etc. of parents or grandparents dating back to pre-1971 situation. In a statement, the Home Ministry said Indian citizens do not have to prove any ancestry by presenting documents like identity cards, birth certificates, etc. of parents or grandparents dating back to pre-1971 situation. Illiterate citizens who may not have any documents, authorities may allow them to produce witnesses or local proofs supported by members of community. A well laid out procedure will be followed. Citizenship of India may be proved by giving any document relating to date of birth or place of birth or both. Such a list is likely to include a lot of common documents to ensure that no Indian citizen is unduly harassed or put to inconvenience. The Ministry of Information and Broadcasting on Friday issued an advisory asking media channels to ensure strict compliance to the specific programs code under the Cable Television Networks Regulations Act 1995. The ministry said that notwithstanding the above advisory, some TV channels are telecasting content which does not appear to be in the spirit of the program codes. It is accordingly reiterated that all TV channels may abstain from showing any content which is likely to instigate violence or contains anything against maintenance of law and order
or which promotes anti-national attitudes or affects the integrity of the nation or criticizes, maligns or slanders any individual in person or certain groups, segments of social public or the moral life of the country. Prime Minister Narendra Modi on Friday said the government has decriminalized several laws in the corporate sector in order to reduce the burden and allow industry to function in a fearless ecosystem. The Prime Minister gave his address at the inaugural session of 100 years of the Associated Chambers of Commerce and Industry in New Delhi. He said the goal of achieving a $5 trillion economy is achievable. Prime Minister said in the last 5 years, the country has strengthened itself so much that such goals can be set and achieved. He added that the government wants to formalize and modernize the economy. The fifth and final phase of Jharkhand assembly elections passed off peacefully in 16 constituencies spread over 6 districts of Sahibganj, Pakur, Dumka, Jamtara, Deoghar and Goda districts of Santhal Pargana region. Jharkhand's chief electoral officer said over 71% voting was recorded of the total 40,05,000 voters. People came in large numbers to exercise their franchise even in Naxal-affected assembly segments. The enthusiasm was clearly visible among youth and women voters. Counting of votes will take place on the 23rd of December. A special court in Rajasthan has sentenced death penalty to 4 convicts in the 2008 Jaipur serial bomb blast case that had left nearly 80 dead and over 180 injured. All were found guilty of committing crimes related to sections 302, 307, 324, 326, 121A, 124A, 153A of the Indian Penal Code. On Wednesday, the court had convicted Mohammed Saif, Mohammed Sarwar Azmi, Mohammed Salman and Saifur Rahman under various sections of the Unlawful Activities Prevention Act. Another accused, Shahbaz Hussain, was acquitted with the court giving him the benefit of the doubt. The serial blasts rocked Jaipur on the evening of 13th of May 2008 within a 2-kilometer radius in the walled city, popular with tourists. Apart from these 5, 2 accused were killed in the Butler House encounter in Delhi that same year, and 5 others are still absconding. Britain's new parliament on Friday initially approved a revised European Union divorce deal that sets up a high-stakes clash with Brussels over their future ties. The 358-234 vote paves the way for Prime Minister Boris Johnson to deliver on his winning general election promise to get Brexit done by January 31st. A snap poll last week gave Johnson's pro-Brexit Conservatives a commanding majority of 365 seats in the 650-member lower House of Commons. The main opposition Labour Party, out of power since 2010 and driven by internal conflicts over Britain's place in the world, was relegated to its worst defeat since 1935. यूपी के रामपुर में आज फिर हिंसा हुई। नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। बड़ी संख्या में सड़कों पर जमा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल के ऊपर पथराव किया। कुछ प्रदर्शनकारी तो घरों की छतों से पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए जवाब में पथराव किया। वहां हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई। तो रामपुर की तस्वीरें, कल भी हिंसा हुई थी और आज एक बार फिर उस वक्त हिंसा भड़क उठी जब 5,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। घर की छतों से भी पुलिस पर पथराव किया गया और उसके बाद पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए, ये देखिए किस तरीके से पुलिस पर पथराव करते हुए आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। और बड़ी संख्या में हालांकि पुलिस बल भी तैनात था,
और पुलिस की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ये देखिए फायरिंग भी पुलिस करती हुई नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल ये, लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाके जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है उग्र रूप ले रहा है, कई जगह हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई थी, चाहे बात कानपुर हो, मेरठ हो, अमरोहा हो, मुजफ्फरनगर हो, बावजूद इसके आखिर पुलिस पहले से तैयार क्यों नहीं थी? आज एक बार फिर क्यों भड़की रामपुर में हिंसा? सारे तहसील मुख्यालयों पर इन लोगों ने कॉल दिया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम और एसपी साहब ने सारे रिलीजियस गुरु से निवेदन किया था और उन लोगों ने आग्रह स्वीकार भी कर लिया था कि हम लोग कॉन्ग्रीगेशन नहीं करेंगे और कोई इकट्ठा नहीं होगा। उसके बावजूद भी लोगों ने स्व मोटो वहाँ पे इकट्ठा हुए, चार तहसीलों में ज्ञापन दे करके उनका कार्य यहाँ पर कुछ अराजक तत्व जो इसमें सम्मिलित थे उन लोगों ने फिगर ऑफ किया, पत्थरबाजी किया और उससे फिसा दे दी। यहाँ पे दो मोटरसाइकिलें चलाई गई हैं। इस समय यहाँ पे मैं बरेली से आया हुआ, अविनाश चंद एडिशनल डीजी बरेली जोन, और इस समय यहाँ पर हम लोगों को शांत करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और इस समय यहाँ पे शांति। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बात ने कहा कि सीए और एनआरसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल लोगों को बरगला रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसका सीएए से जो है वो इस तरह से ताल्लुक है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए सीए कि जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आए हैं, और एनआरसी जो है वो फ़िलहाल सिर्फ अभी आसाम के लिए है और पूरे हिंदुस्तान, अभी वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं हुआ है, उसको लागू नहीं हुआ है। और अभी ये भी नहीं पता है कि उसके अंदर क्या क्या शर्तें होंगी और क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस होंगे, अभी कुछ नहीं पता है। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उसको जो है आगे भड़का रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं इस प्रदर्शन को, और इसलिए हम मुसलमानों से कहते हैं बहुत समझदारी से उनको काम लेना होगा, बहुत सब्र से उनको काम लेना होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कैंप लगाकर सीधे नागरिकता देने का दावा किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार अगर नागरिकता कानून लागू नहीं करती है तो इनकम टैक्स और कस्टम अधिकारियों की मदद से कैंप लगाकर सीधे नागरिकता दी जाएगी। राजस्थान की सरकार, पश्चिमी बंगाल की सरकार, मध्य प्रदेश और पंजाब की सरकार कहती है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि कलेक्टर के द्वारा नागरिकता दी जाएगी, कलेक्टर हमारे अधीन काम करता है, जब तक कलेक्टर को निर्देश नहीं करेंगे नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है, यह अधिकार भारत की सरकार के पास में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के माध्यम से कलेक्टर को अधिकार दिया है। जिस दिन राजस्थान की सरकार रोकने का प्रयास करेगी, इनकम टैक्स के अधिकारी को, कस्टम के अधिकारी को अधिकार दे देंगे कि ऐसे सारे लोगों को कैंप लगा करके नागरिकता दी जाए, कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एनआरसी लागू होने के बाद लोगों को लाइन में लगकर ये साबित करना होगा कि वो भारतीय हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। बघेल साहब, एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। एनआरसी अगर आता है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या आप उसको लागू नहीं करेंगे? मैं लागू करने की बात तो दूर है, वो उस रजिस्टर में मैं पहला आदमी हूँ जो हस्ताक्षर नहीं करूँगा। मैं अपने प्रदेश में कह दिया है कि ये अंग्रेजों ने पहले लाया था एआरसी, वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1907 में इसका विरोध किया था, उस रजिस्टर में दस्तखत नहीं किए थे, उन्होंने फिंगरप्रिंट नहीं दिया था। आज 112 साल बाद ये अंग्रेजों के ही समर्थक हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं है, इनके साथ थे, ये अब एनआरसी ला रहे हैं और इसमें हमको खड़ा होकर लाइन में लग के ये बताना होगा कि हम भारतीय हैं। मैं भारतीय हूँ, उसे प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो घुसपैठे उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना करिए, लेकिन आम भारतीय को लाइन में लगा के सबको खड़ा करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? और बहुत सारे लोग हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, वो 50 साल या 100 साल का रिकॉर्ड लाएंगे कहाँ से? फिर एक आदमी दूसरे गाँव चला जाता है, एक व्यक्ति वो दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी कमाने चला जाता है और वहीं करा जाता है,
फिर वो कैसे प्रमाणित करेंगे? बिहार के लोग छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ के लोग आसाम गए, तो एक दूसरे प्रदेश में आते जाते रहे, वो 50-100 साल का रिकॉर्ड मांगे, कहां मिलेगा? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगर नागरिकता कानून पर सवाल उठा है तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को नौजवानों की बात सुननी चाहिए। सर, सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि सरकार जो है नागरिकता खतरे में डाल रही है लोगों के। आखिर इस भ्रम की स्थिति को दूर कैसे किया जाए, हिंसा को कैसे रोका जाए और विरोध प्रदर्शन को कैसे रोका जाए? देखिए, हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं और ये बात स्पष्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना कर सकते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो हम कर चुके हैं, एक बार नहीं 100 दफ़ा कर चुके हैं। और अगर सरकार ये समझती है कि कोई भी आम जनता को भड़का सकता है तो सरकार बड़ी मासूम है। सरकार भड़काने की क्षमता रखती होगी, हम नहीं भड़काने की क्षमता रखते हैं। हम ये मानते हैं कि 2019 में इस सरकार को जनता ने चुना था और 2019 में हम नहीं भड़का सके तो आज कैसे भड़का रहे हैं? कुछ निर्णय लिया है सरकार ने, वो निर्णय अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनके साथ संवाद करे। हमारी अगर मदद चाहती है तो हमारे साथ संवाद करे। देश हित में कुछ होगा तो कोई नहीं विरोध करेगा, लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती है कि देश हित की बात सिर्फ वो जानती है और आम जनता नहीं जानती है। और वो भी नौजवान जो निकल के, पढ़े लिखे नौजवान जो निकल कर आए हैं, मैं मानता हूँ सरकार को अगर थोड़ी भी समझ हो तो इनकी बात को समझेंगे और इनकी बात पर ध्यान देंगे। हैदराबाद में वायुसेना अकेडमी के कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के जहाजों ने हवा में करतब दिखाए। इस दौरान जवानों ने भी परेड की। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो हैदराबाद की तस्वीरें, वायुसेना अकेडमी का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के जहाजों ने हवा में जमकर दिखाए करतब। इस दौरान जवानों ने भी परेड की। As a team leader, I can go over the peaceful nation.